नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शान और बहुत दिन बाद लाइव यहाँ आया हूँ। आज ऑफ कोर्स ईद है, आज परशुराम जी जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया है और इन सारे फेस्टिवल्स को हम एक साथ मना रहे हैं। मैं अभी अभी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिया सबको ईद मुबारक करते हुए, जिसमें मैंने एक स्नैपशॉट एक फ़ोटो लिया था जो कि मैं एक वीडियो किया था आज से करीबन 3 साल पहले। तो करम कर दे गाना काफ़ी अच्छा चला और वो उसमें एक ऐसा लुक था जहाँ मैं टोपा पहना हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इट वाज़ अ सॉन्ग यू नो बेस्ड ऑन कवाली गाना था, तो वो लुक था उसमें। तो उसका एक फ्रीज फ्रेम करके मैंने अभी अभी सबको ईद विश किया और फिर फ्लाइट पे आया, फिर यहाँ पहुँचा हुआ। आज मैं मैंगलोर में, यहाँ शो है, तो यहाँ आकर जब मैं उसके रिएक्शंस देखा तो काफ़ी टाइम तक तो मैं सोचा कि इग्नोर करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह के रिएक्शंस आए कि हिंदू होते हुए मैंने ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं गोल्डन टेम्पल गया था। गोल्डन टेम्पल में सर ढाकना होता है और टेम्पल के सामने मैंने वैसे ही फ़ोटो लिया, लेकिन उसका कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया कि आप हिंदू होते हुए आप सिखों की तरह क्यों आपने फ़ोटो किया है या क्यों ये पोज़ दिया है, या फिर जैसे रामनवमी है या हमारे कोई भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें थोड़े से यू नो एथनिक इंडियन स्टाइल में कपड़े पहनकर नमन करते हुए फ़ोटो डालते हैं ताकि उसकी एक फील आए। बस इतनी सी बात थी, लेकिन इस पे मैं लाइव क्यों आ गया हूँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत तो नहीं थी अपनी जस्टिफिकेशन देने की, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ कि किसी के वस्त्र को, किसी का लुक अगर हम धारण करते हैं, उस उनको इज्जत देते हुए उस ओकेजन को या उस वक्त को, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है कि आपकी अपनी जो धर्म है वो बिगड़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से लोग जो सोचते हैं इस सोच को थोड़ा सा बदले। हम एक प्रगतिशील देश है, आगे बढ़ रहे हैं, यू नो विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इंडियंस टुडे आर बीइंग रिस्पेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब फॉर आर थिंकिंग, फॉर आर यू नो चाहे मेडिसिन हो, चाहे आईटी हो, यू नो इवन द नासा अमंग साइंटिस्ट वी आर देयर वी टॉप। हमें अगर इतनी भी रिस्पेक्ट टॉलरेंस ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर हम ऐसी मतलब गोइंग रिग्रेसिंग बैक इनटू पुरानी सोच, पुरानी थॉट्स, तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भी इस तरह की सोच रख रहे हैं वो थोड़ा सा खुद को सोचे इसके बारे में कि ये क्या हो क्या रहा है, मुझे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस भेड़ चाल में कैसे आ रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम, आई हैव नो, साथ साथ मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान भारतीय हिंदू होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर ओकेजन को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं जहाँ पला बड़ा बांद्रा, इट वॉज़ अ प्रीडोमिनेटली अ कैथलिक इन अ मुस्लिम एरिया, मेरे ज़्यादातर दोस्त मुसलमान हैं और उनके साथ कभी भी इस तरह का फीलिंग नहीं आया कि यू नो हम अलग हैं, हम कुछ और हैं हम। तो अब ये जो देख रहा हूँ इतने साल बाद, मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरह की सोच बढ़ती जा रही है। इस तरह की सोच जो रख रहे हैं उनका सोच तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी सोच ज़रूर सामने रखना चाहता हूँ और मैं खुद को भी बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सोच सही है और हर किसी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, मिलके हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, यही तो है भारतीय की सही पहचान। और जो ये करते हैं वो पूरी भरपूर जिंदगी जीते हैं, खुल के जिंदगी जीते हैं, सबके साथ जिंदगी जीते हैं। सो लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, बी विथ ईच अदर एंड डोंट कीप सच यू नो पोलराइज्ड थिंकिंग, सच पोलराइज्ड थॉट्स, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान हो सकता है। किसी भी देश को आप देखिए, जो भी देश किसी किसी धर्म के ऊपर चला है, दैट कंट्री हैज़ नॉट मूव्ड अहेड। वी आर अ डेमोक्रेसी, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, एंड वी आर द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बिगेस्ट पॉपुलेशन टुडे, मोर देन चाइना,
we should change our thinking, we should change our thoughts, we should be more inclusive, and we should look towards creating a beautiful, beautiful world, not just a beautiful country. ना? तो सोचा आपसे थोड़ा सी ये बातें करूं, अपनी थॉट्स रखूं, और मैं देख रहा हूं कि आपके से बहुत प्यार मिल रहा है, आप सब बहुत ही मेरी बात को समझ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच दैट आई हैव द राइट काइंड ऑफ यू नो पीपल हु हैव द राइट थिंकिंग एंड द राइट सोच. तो आप सबको फिर एक बार ईद मुबारक, जय परशुराम और अक्षय तृतीया. मुझे अभी अभी पता चला कि ये फेस्टिवल्स भी है. आई एम नॉट एज लाइक आई सेड, मुझे इतना इन चीज़ों की, और ऑफकोर्स हिंदू फेस्टिवल्स तो साल में इतने सारे होते हैं कि यू नो हर दिन कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन आज ये भी है. ऑफकोर्स आई रिस्पेक्ट दैट एंड अक्षय तृतीया और जय परशुराम, और साथ साथ ऑफकोर्स पूरे दुनिया में सेलिब्रेट हो रही है ईद. इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल एंड सो यू नो आप सबको ईद मुबारक. ओके, थैंक यू.